हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोविड-19 के इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के वजह से ऑलमोस्ट हर कंट्री को इकोनॉमिक लॉस हुआ, इंडिया उससे कोई अलग नहीं है। और इसका इम्पैक्ट हमें लगभग सभी सेक्टर्स में देखने को मिला। एक तरफ तो हमारी जीडीपी कम हुई, पहले ही हमारी जीडीपी कम चल रही थी और उसके बाद और जीडीपी हमारी कम हो गई, ये 3% से भी ज़्यादा कम हो गई। और एक चीज़ हमने नोटिस करी कि इंडिपेंडेंस के बाद ये सबसे वर्स्ट टाइम है इकोनॉमी के लिए। इससे पहले जो वर्स्ट टाइम था वो 90s का टाइम था, जब हमने एलपीजी का प्रिंसिपल लेके आए और ओपन मार्केट पॉलिसी फॉलो करी। उसके बाद एलपीजी के बाद ये सबसे बुरा दौर है इकोनॉमी के लिए। और इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, क्योंकि उसके पास कोई एक होलिस्टिक पॉलिसी नहीं थी फ्यूचर के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है और दूसरा कंटिजेंसी फंड है। तो कंसोलिडेटेड फंड से क्या होता है, जो आपके डे टू डे एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो हम प्लान मैनर में फिक्स करते हैं एक साल भर के लिए। मगर कई बार ऐसा होता है कि प्लान बजट से आपका काम नहीं चलता है और कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसके बारे में आपने सोचा था, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक। तो कभी ऐसा कुछ हो जाए या कोई फॉरेन अटैक हो जाए, ऐसी कोई चीज़ आए जिसके बारे में आपने प्लान नहीं करा था, तो उसके लिए हम कंटिजेंसी फंड से पैसा लेते हैं ताकि उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। और नेक्स्ट ईयर जब हम बजट प्लान करते हैं तो वो पैसा वहां से हम कंटिजेंसी फंड में वापस ऐड कर देते हैं ताकि वो फंड कभी कम ना हो। कुछ रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसी हैं जिसका पैसा जो है वो सीधे सीधे कंटिजेंसी फंड में जाता है, ना कि कंसोलिडेटेड फंड में। क्या वजह है कि ऐसा कोई प्रोविजन, ऐसा कोई प्लानिंग जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के पास नहीं थी कि ऐसा कुछ करें जिससे फ्यूचर में अगर कोई ऐसी बात होती है तो उस टाइम में ये जो आपके पास फंड है वो आपको सपोर्ट करे। मैंने देखा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस फंड के नाम पे अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे पैसा कलेक्ट करती हैं, और बट उसका बेनिफिट हमें देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट एक ऐसा एक फैशन इंडिया में चल गया कि सब लोग अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे एम्प्लॉयज़ एक बर्डन हो और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर नहीं है। बात आती है, बड़ी बड़ी बातें करी जाती है, आपको मोटिवेट करा जाता है कि ये कंपनी आपकी खुद की कंपनी है, इसके लिए काम करो। अगर खुद की कंपनी है तो जब वो स्टेक होल्डर प्रॉब्लम में है तो आप उसको सपोर्ट क्यों नहीं करते। तो जितनी भी आपको इनकम होती है, मेरे हिसाब से कम 10% पैसा जो भी आपका रेवेन्यू आता है उसका आप क्या है कंटिजेंसी फंड बनाइए जिसमें रखिए, सो दैट अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ भी होता है तो उसका इम्पैक्ट एम्प्लॉयज़ पे ना लगे। देखिए, जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं इसको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि बहुत मुश्किल होता है अच्छे एम्प्लॉयज़ का मिलना। द सेम उनको ट्रेन करने में काफ़ी टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नया एम्प्लॉय आपके आया और आपने उसको रिक्रूट करा, उसके बाद क्या उसको ट्रेन करने में लगभग 1 साल चला जाता है। फिर जब वो काम सीख लेता है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देता है, दूसरी जगह चला जाता है, तो फिर आप क्या है जीरो से स्टार्ट करते हो। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या है फंसे हुए हैं, वो हर बार नया रिक्रूटमेंट करते हैं, हर बार क्या है लोग छोड़ के जाते हैं, उनको लगता है कि हम कम सैलरी दे रहे हैं और इससे हमारा चल रहा है। बट इसकी वजह से क्या होता है कि उनके यहाँ कभी भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके पास स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी हमेशा नहीं रहती है। तो पहले तो माइंडसेट को क्लियर करना है कि आपको करना क्या है। दूसरा, ये जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया इसका बारे में हम सबको सोचना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया वो सबसे ज़्यादा बीपीएल पे आया, यानी बिलो पावर्टी लाइन, मजदूरों पे बहुत ज़्यादा आया। ठीक है, आया, वी डू एग्री, बहुत बहुत बड़ा असर पड़ा उनके ऊपर, मगर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पड़ा। टेक्निकली मैं आपको बता दूँ, ये जो लेबर क्लास होता है ये स्ट्रगल करता है, ये जाता है और इसको हर बार लेबर का काम नहीं मिलता है। तो अगर महीने में मुश्किल से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इससे ज़्यादा काम नहीं मिलता है, तो उसका माइंडसेट था कि ऐसा होता है और उसके हिसाब से वो प्लान रहता है। प्रॉब्लम जो यहाँ पे मेन आई है वो मिडिल क्लास के लिए आई है, क्योंकि उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कभी होगा। बहुत अलग अलग तरह की न्यूज़ आई, देखा गया कि हस्बैंड वाइफ दोनों की जॉब चल रही गई, साथ में उनकी जो ईएमआई थी वो वही के वही थी, बैंक ने उनको खास सपोर्ट नहीं करा और अल्टीमेटली उस फैमिली के पास कोई और
कोई इनकम का सोर्स नहीं था, क्योंकि सेविंग्स बड़ा मुश्किल होती है आज के टाइम में जो भी जॉब करते हैं, क्योंकि उनके डे टू डे एक्सपेंडिचर ही अगर कंप्लीट हो जाए तो बड़ी बात है। तो एनीवे फ्रस्ट्रेट होके बहुत सारे लोगों ने सुसाइड करा, बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी कि स्टार्टअप करें, बट कोविड टाइम में स्टार्टअप यू नो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो आप जब स्टार्टअप करते हैं तो आपको कस्टमर नहीं मिल पाते, तो अल्टीमेटली आप फ्रस्ट्रेट होके क्या है बैठ जाते हो। तो जितना पैसा आपके पास सेविंग थी वो उसने आपने स्टार्टअप में लगाई, अल्टीमेटली वो भी चला गया। इम्पॉर्टेंट जो बात हम यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि एक होलिस्टिक पॉलिसी होनी चाहिए जिससे हम सभी क्लासेस का क्या है एक ओवरऑल ग्रोथ हो पाए। मैं बार बार एक बारे में बात करता हूँ कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा क्या है काम नहीं किया गया है। किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, फॉर एग्जाम्पल यू नो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर आपको वास्तव में ग्रोथ चाहिए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आज भी हमारे लिए ये बहुत बड़ा क्या है काम है, एरिया है जिसमें हमें काम करना है, क्योंकि आज भी इलेक्ट्रिसिटी हर घर में नहीं है, आज भी सेफ यू नो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, आज भी ट्रांसपोर्टेशन हर जगह अवेलेबल नहीं है, इनफैक्ट रिमोट एरियाज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो लोगों की जो सेविंग्स होती हैं वो बड़ा मुश्किल होता है सेविंग कर पाना, क्योंकि बहुत सारा पैसा इन चीज़ों को मेंटेन में करने में लग जाता है, जबकि ये ड्यूटी जो है स्टेट की होती है। तो आज के बाद डिस्कशन में हम इतना ही बात करेंगे कि कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक लॉस हुआ, और हम सबको इससे एक लेसन सीखना चाहिए ताकि फ्यूचर में हम जब भी जो भी अर्न करते हैं उसमें एक हिस्सा हमें फ्यूचर के लिए बचाना चाहिए, और इस तरह की क्या है कंडीशन कभी भी आ सकती है, ताकि हम सब लोग इसके लिए कहीं ना कहीं तैयार रहें। थैंक यू सो मच।